दोस्तों स्वागत है आप सभी का खेती किसानी के एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको एक बड़ी समस्या के बारे में बताने वाले हैं और उसके उपाय भी हम बताएंगे कि क्या करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सामने ये हमारा मिर्च का पौधा है और इसमें भांगुर की समस्या हो गया है। भांगुर की समस्या क्या होती है, आप अपने इलाके में इस चीज़ को क्या बोलते हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन हम लोग इसे भांगुर ही बोलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो पत्तियाँ हैं मिर्च का वो बिल्कुल सीधा नहीं है, मुड़ा मुड़ा सा लगता है। और इसमें जितने भी देखिए फूल आ रहे हैं, ये सारे फूल क्या हैं कि आते तो हैं लेकिन फलों में कन्वर्ट नहीं हो पाते, वो मर जाता है। इससे निकलने के लिए इसको हम एक दवाई डालने वाले हैं और आप भी उसका रिजल्ट देखेंगे। फिर हम इस वीडियो में आप पहले दवाई के बारे में बताएंगे, फिर आपको ये भी बताएंगे कि इसका रिजल्ट कैसा रहा आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तो जो दवाई हम डालने वाले हैं वो कौन सा मेडिसिन है और कितना आपको डालना है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो मिर्च का पौधा है इसमें फल कहीं पर नज़र नहीं आ रहा है। थोड़ा सा हम आपको दूर से अगर दिखाएं तो आप देख पाएंगे कि ये मिर्च का जो पौधा है कितना बड़ा है। इतना बड़ा होने के बाद भी इसमें फल कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है, और जबकि इसमें फल अभी भरपूर होना चाहिए था लेकिन इसमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, केवल फूल है और फल तो कहीं कुछ पता ही नहीं चल रहा है। बड़े बड़े पौधे हैं और हम भी काफ़ी टाइम से परेशान हैं कि इसका क्या किया जाए। फिर मैंने इसका एक हल ढूंढा है जो कि आपके सामने हम अभी करके दिखाएंगे। तो दोस्तों जो मिर्च के पौधे हैं इसमें जो भांगुर की समस्या है, जो कि पौधे के पत्ते जो हैं सिकुड़ जा रहे हैं, फूल आ रहे हैं लेकिन फल नहीं आ रहे हैं, तो इस समस्या से निजात पाने के लिए आपको तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला चीज़ें जो है वो मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी। ये एक मेडिसिन है, इसका नाम है एडमायर, छोटा सा पैकेट है। तो ये एक एडमायर छोटा सा पैकेट है, इस मेडिसिन को हम डालेंगे। तो मेडिसिन को डालने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, मेडिसिन आपके पास होना चाहिए और एक स्प्रे मशीन आपके पास होना चाहिए। तो ये देख सकते हैं स्प्रे बोतल है, ये काफ़ी आसानी से उपलब्ध हो सकता है। अगर आपको भी चाहिए तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं, ये बहुत सिंपल है। यहाँ पर देख सकते हैं ये छोटा सा मशीन 50 रुपये में आपको मार्केट में मिल जाएगा। और ये क्या है, ये एक थम्सअप का बोतल है, तो इस बोतल को इसमें कनेक्ट आसानी से कर सकते हैं और कनेक्ट करके आप स्प्रे कर सकते हैं। और एक और चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जिसे हम कहते हैं पानी। तो पानी में डालकर इस पर हम स्प्रे करेंगे, तो कितना पानी चाहिए वो भी हम आपको बता देते हैं। तो इतना सारा मेडिसिन डालने के लिए आपको चाहिए 2 लीटर पानी। अगर आप कम डालना चाहते हैं तो 1 लीटर पानी में डाल सकते हैं, और 2 लीटर पानी में इतना सारा मेडिसिन डाल करके आप पूरे पर स्प्रे कर सकते हैं। आपको उतना ज़्यादा दवाई या मेडिसिन या पानी डालना है जितना आपकी ज़रूरत है या जितना आपको खेतों में दवाई डालने हैं। यानी हमारे पास जो मिर्च के पौधे हैं वो बहुत ही कम है, तो हम इसमें जो हमारा दवाई है उसको आधा ही डालेंगे और उसमें 1 लीटर पानी डालेंगे। इस तरह से इसको हम पहले दवाई डालेंगे। पहले दवाई डालने से फ़ायदा क्या होता है, वो पानी में आसानी से घुल जाता है। और क्योंकि ये देख सकते हैं मैंने इसमें आधा बोतल ही पानी डाला है, क्योंकि हमारा जो दवाई है वो कम मैंने इसमें डाला था। तो मेडिसिन डाल करके इस तरह से आपको मिलाना है। मिल जाने के बाद इसका जो स्प्रे सिस्टम है इसको इस पर कसना है। कस करके इससे आपको इसमें हवा डालनी है ताकि ये आसानी से स्प्रे करे, इसको हवा पूरा करना है इसमें। दोस्तों देख सकते हैं अब हमारा प्रेशर बन चुका है, तो स्प्रे कुछ इस तरह से आपको करने हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई समस्या होती है तो इसका उपाय आप क्या करते हैं, कौन सा मेडिसिन डालते हैं या किस तरह से इसका उपचार आप करते हैं, वो भी चीज़ें अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि आपके जो ओपिनियन होंगे वो और भी लोगों तक पहुंचे, किसानों तक पहुंचे और उन्हें भी उसका फ़ायदा मिल सके। बाकी हमारी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।